रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति दल के द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मीडिया से बात करते हुए भगवा क्रांति दल के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग काफी उत्साह से ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। 2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग इस शोभा यात्रा को नहीं निकाल पाए थे। इस प्रेस वार्ता में निर्णय लिया गया कि 8 अप्रैल को घंटा घर के टीचर्स ट्रेनिंग प्रांगण से भगवा क्रांति दल द्वारा विराट भव्य शोभा यात्रा निकालकर खलीफा बाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, अटल बाबू रोड, भीकनपुर चौक, विश्वहरी स्थान होते हुए पुनः टीचर्स ट्रेनिंग परिसर में समाप्त होगी। प्रेस वार्ता में सबों से अपील की गई कि इस भगवा क्रांति के भव्य शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की शपथ लें। बताते चलें कि ये राम जन्म उत्सव से एक दिन पहले भगवा क्रांति निकाली जाती है। वहीं दूसरी ओर भगवा क्रांति शोभा यात्रा को लेकर SSP बाबूराम ने कहा कि जिस रास्ते से शोभा यात्रा के लिए आवेदन दी गई थी उसी रास्ते शोभा यात्रा निकलना सुनिश्चित है, जिसमें तकरीबन 800 पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भगवा क्रांति के द्वारा विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार और भव्य विराट शोभा यात्रा होना है, क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग 2 साल कोई जश्न नहीं मना पाए, कोई त्यौहार नहीं मना पाए। इस बार हम लोग को मौका मिला है वापस से शोभा यात्रा निकालने का, तो हमारी शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकल रही है, दिन शुक्रवार। 1 से 1.5 बजे तक हम लोग वहाँ से निकलेंगे TTC मैदान से। 11 बजे से हम लोग का वहाँ पर जमावड़ा एकत्रीकरण होगा। 11 बजे एकत्रीकरण होने के बाद हम लोग 1:15 बजे के आसपास वहाँ से मूर्ति लेकर के आ जाएंगे हम लोग खलीफा बाग चौक पे। खलीफा बाग चौक से हम लोग आएंगे वैरायटी चौक, फिर बाटा गली होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ पे आरती होना है और वहाँ पे छोटा सा भोग का कार्यक्रम है। फिर वहाँ से हम लोग उल्टा पुल पे आ जाएंगे, उल्टा पुल से फिर होते हुए हम लोग पटल बाबू रोड, पटल बाबू रोड से प्राचीन हनुमान मंदिर होते हुए हम लोग आ जाएंगे वैष्णो दरबार, वैष्णो दरबार से फिर त्रिमूर्ति चौक, त्रिमूर्ति चौक से विषहरी स्थान 1 नंबर गुमटी पे हम लोग का शोभा यात्रा का समापन होगा। उस समापन के बाद हम लोग सब बूढ़ानाथ मंदिर में आके मूर्ति को स्थापित कर देंगे और 11 तारीख को हम लोग इसको विसर्जन कर देंगे, दिन सोमवार। सोमवार को हम लोग विसर्जन करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर घाट पे ही। और इस बार भव्यता में हम लोग रामगढ़ का बैंड मंगवाए हैं, संथाली बैंड तो हर साल रहता है, ये वो रहेगा ही। ढाक है हम लोगों का, पंजाबी ढोल है हम लोगों का, नगाड़ा है, भागलपुरी बैंड है, 2 प्रतिमा है, 1 प्रतिमा प्रभु रामचंद्र जी की है, सिंहासन में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र जी हैं, 1 प्रतिमा भारत माता का है, जो नशा से कैसे भारत माता लिप्त होते जा रही हैं, तो एक वो है भारत माता का हम लोग मैसेज दिए हैं। और हम लोगों के भगवा ध्वज रहेगी, सारे वॉलंटियर अपने ड्रेस में रहेंगे, भगवा क्रांति का टी शर्ट ड्रेस होगा, भगवा क्रांति का सब सारे वॉलंटियर को साफ़ा मिलेगा, सब सारे साफ़ा में होंगे, सारा भगवा ध्वज होगा और साथ में हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखे हुए हैं और पूरा कार्यक्रम को निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं, 15 घोड़ा का भी व्यवस्था है, मतलब सारी साज सज्जा व्यवस्था के साथ इस बार हम लोग बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें आप सभी भागलपुर के सभी वासियों से अनुरोध है कृपया करके शोभा यात्रा में जरूर आएँ और भव्य और दिव्य बनवाएँ। रूट हम लोग का है, भगवा क्रांति के सदस्य हैं जो गाना भी गा रहे हैं, कल एक भगवा गीत लॉन्च किए हैं, वो आप लोग सामने भी पेश करेंगे, बताइए। मेरा नाम मनीष मयूर हुआ और काफ़ी लोग जान भी रहे हैं, जो जान रहे हैं और सभी हमारे मित्र हैं, भागलपुर शहर के हैं। मनीष मयूर नाम हुआ मेरा और कल भगवा क्रांति के शोभा यात्रा के उपलक्ष में मैं एक भगवा गीत भी लॉन्च कर रहा हूँ यात्रा के माध्यम से, उसकी जो 4 पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ। ये भगवा चोला राम का मेरे राम का मेरे राम का, ये भगवा चोला राम का श्री राम का, निकल पड़ी है राम की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना, ललकार उठी जो भारत से तो ये संसार भी डोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या तैयारी रामनवमी को लेकर सर शहर में जुलूस निकल रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? ये जुलूस कल है और एक जुलूस 10 तारीख को है,
जो कल का जुलूस है उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और पूरे रूट पे ये व्यवस्था की गई है कि ड्रोन से फोटोग्राफी और निगरानी की जाए जुलूस की भी और ऊंचे भवन पे भी। ऊंचे भवनों पे भी फोर्स रहेगी। जुलूस में सबसे आगे जो है पुलिस की मोटरसाइकिल पार्टी चलेगी जिसमें रैफ के जवान होंगे और जिला पुलिस के सीआईएटी दल के जवान होंगे। इसके अलावा जुलूस के आगे एक पैदल टीम रहेगी जिसमें रैफ और जिला पुलिस होगी। बीच में एक पार्टी रहेगी जिसमें रैफ होगी और जुलूस के पीछे एक बड़ी पुलिस पार्टी होगी। इसके अलावा बीच बीच में और भी फ्लैंक पे जहां जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जहां जहां भी रास्ते में संवेदनशील स्थल है वहां लोगों से, स्थानीय लोगों से भी बात हुई है, जो आयोजक हैं आयोजकों से भी बात हुई है, उन्होंने अपने स्तर से भी वॉलंटियर की व्यवस्था की है और जो जुलूस का पूरा रूट है उसको सत्यापित किया गया है, तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिन रूट पे जुलूस जाएगा टाइम के हिसाब से वहां ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा। जुम्मा भी है, जुम्मा को लेकर हम लोगों ने शांति समिति के साथ बैठक की है, दोनों पक्षों से वार्ता हुई है। जुम्मे की नमाज 12 बजे से 2 बजे के बीच में है, तो जहां पे संवेदनशील जगह है, वो जगह जहां मस्जिद रास्ते में पड़ती है वहां पर मुस्लिम पक्ष ने आश्वासन दिया है कि वो 1:30 बजे तक जुम्मे की नमाज समाप्त कर लेंगे और यहां घंटाघर से जो जुलूस चलेगा वो 1:30 बजे के बाद ही चलेगा, तो इसलिए दोनों में काफी गैप लोगों ने रखना सुनिश्चित किया। कितनी तक आएंगे पूरे मार्ग में, पूरे रूट में जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरा से कराई जाएगी, वीडियोग्राफर भी रहेंगे। ड्रोन कैमरा का फायदा ये है कि वो काफी ऊंचाई से वीडियोग्राफी करते हैं, तो जुलूस में जितने भी लोग शामिल हैं जहां जो भी गतिविधि हो रही है वो सब रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा ऊंचे भवनों पे, छतों पे कौन लोग खड़े हैं, वहां पे क्या गतिविधि हो रही है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरी निगरानी उसके माध्यम से हो पाएगी। बलों की क्या संख्या और किस तरह के बल लगाए गए? बाहर से हम लोगों को एक कंपनी रैफ की उपलब्ध हुई है, इसके अलावा 2 कंपनी बीएमपी और 2 कंपनी सामान्य बल उपलब्ध हुआ है। इसके अलावा हमारा जिला का काफी पुलिस बल है, लगभग 800 के करीब पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान इसमें ड्यूटी करेंगे। रूट डाइवर्जन का प्लान तैयार किया गया है और जुलूस के समय के साथ साथ जहां जहां से जुलूस गुजरेगा उसी हिसाब से ट्रैफिक को रोक दिया। दसवीं भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट, R9 भारत।